क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 में आंसर हम लिख सकते हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम जो संख्या होगी वह 16 होगी। क्यों? क्योंकि इस तरह का जब P/Q के रूप में कोई संख्या है तो जब हम उसका दशमलव प्रसार करते हैं तो दशमलव प्रसार में आए हुए भागफल के अधिकतम अंकों की जो संख्या होती है उसके हर से एक कम होती है। तो 17 से एक कम 16 है, इसलिए अधिकतम जो संख्या होगी 16 होगी। इसी की जांच हमको विभाजन क्रिया के द्वारा करना भी है। तो हम क्या करेंगे, 1 में 17 का हम भाग देंगे। ठीक, हम दशमलव यहाँ रखेंगे, 10 यहाँ रखेंगे, फिर भी 10 17 से कम है तो 10 यहाँ पे रखकर 10 और बढ़ा लेंगे। अब 17 × 5 = 85, बचा शेष कितना 15, फिर 0 रखेंगे। अब 17 * 8 देखें कितना होता है, यहाँ पे देखिए 136, बचा कितना, इधर 4 और इधर बचा 1, ये कट जाएगा, फिर 0, फिर 17 * 8 136, अब बचा 4, 0 रखेंगे, अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 17 × 2 = 34, 6 बच जाएगा, 0 रखेंगे इधर, अब देखेंगे 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51, 3 बार में जाएगा 51, 51 के नीचे बचेगा 9, फिर 0 रखेंगे, 9, 17 × 5 = 85, 85 में से फिर 5, 0, 17 × 3 = 51 हो जाएगा, फिर 17 × 2 हम जाएंगे 34, 34, 6 और यहाँ पे बचेगा 1, 16, अब 16 है, फिर इसके आगे 10 रख सकते हैं, 160 है तो 17 * 9 = 153, 153, 153 में से घटाएंगे तो इधर बचेगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 0, 0, यहाँ पे हो जाएगा 70। अब जब 70 है तो 70 को हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर फिर कर लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया 70, तो 17 * 4 = 68 फिर हो जाएगा, तो 68 2 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं, 1 बार में फिर से जाएगा तो 17 * 51 = 17, 3 शेष बचेगा, फिर 0 रख सकते हैं, फिर 1 बार में जाएगा 17, अब देखें बचेगा यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 1, फिर 10 रखेंगे 130, तो फिर हम ले जाएंगे 17 * 9 = 153 हो जाएगा, 17 * 8 = 136 हो जाएगा, तो हम 17 * 7 = 119, 11 बच गया 110, तो अब फिर 119, तो 17 * 6 के फिर हम चलेंगे 17 * 6 के 102, बच जाएगा कितना 8, फिर 0 रखेंगे तो फिर देखें 17 * 2 = 34, 17 * 4 = हम 68 जाएंगे क्योंकि उसके बाद 85 आ जाएगा, 17 * 4 = 68, फिर बच गया कितना 12, 0 रखेंगे 120, फिर 17 * 7 हम क्या करेंगे 119 रखेंगे, फिर बचेगा 1। ठीक, अब यहाँ पर 1 बच गया, ये 0, 10, अब देखेंगे ये जो डिजिट 1 है वह फिर 1 के बराबर हो गई। अब यहाँ पर अगर 10 रखेंगे तो भी 17 से विभाजित नहीं होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लगा करके फिर यहाँ पर 100 करेंगे, और फिर अगर इसको फिर हम उठा करके यहाँ ला दें 100, तो फिर 17 * 5 = 85, फिर बच जाएगा यहाँ पर 15, यानी फिर से देखिए ये वाली डिजिट यहाँ, फिर 150, 17 * 8 = 100, फिर देखेंगे यहाँ पे बच जाएगा आपका 14, 140, फिर आप देखेंगे 17 * 8 = 136, फिर 40, ऐसे अगर हम ऐसे भाग देते जाएं तो हम पाएंगे कि जो ये संख्या है 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7, 0, 5, यहाँ पर देने के बाद देखिए फिर से रिपीट होना प्रारंभ हो गया, तो ये संख्याएं जो हैं ये बार बार रिपीट होंगी। तो हम देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये संख्या अधिकतम कितनी है, संख्या, तो ये जो हमने इसकी जांच की यह पूर्ण रूप से सही है, यानी 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की जो पुनरावृत्ति का जो खंड प्राप्त होगा इसकी संख्या जो कुल होगी वह 16 होगी। इस प्रकार से हम इसका जांच कर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। P/Q ≠ 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि 3/2, 7/2, 17/10, 7/4, 2/5, 12/5, 17/10 इत्यादि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं,
जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका शांत दशमलव प्रसार है। यानी अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखिए, 3/2, इसका भी अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें क्या होगा, 1/3 और इसका 2/1, यानी एक ही दोनों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो अगर इसका हम प्रसार करें तो देखें 3/2 करेंगे तो एक बार में जाएगा 2, 1, दशमलव रखेंगे 0, 2, 5, 10, ये हो गया इसका आंसर 1.5, जो कि शांत दशमलव सार। नेक्स्ट देख लेते हैं 7/2, अगर इसका हम प्रसार करें तो 7 में हम 2 का भाग करेंगे, देखेंगे 2 3 6, 1, छोटी संख्या है 2 से दशमलव रखेंगे 0, 2, 5, 10, इसका आंसर भी आ गया 3.5, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं 17/10, इसका भी जब हम प्रसार करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.7, तो 17/10 का भी जो प्रसार है वो कितना आ गया 1.7, जो होगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक इसी प्रकार से हम 7/4 को भी ले लेते हैं, 7/4, तो 7 में हम क्या करेंगे 4 का भाग दे देते हैं, तो 4 × 4 = 3, 0, छोटी संख्या है, दशमलव रखेंगे 0, 4 × 7 = 28, शेषफल 2, फिर 0 रख सकते हैं और 4 × 5 = 20, ये भी कैंसिल हो गया, यानी इसका भी दशमलव प्रसार कितना हो गया 1.75, जो की शांत दशमलव प्रसार है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे 2/5 भी है, 2/5, इसको भी हम सॉल्व करें तो 2 में भाग देंगे किसका 5 का, दशमलव रखेंगे 0, 5 × 20, 0 हो गया नीचे, इसका भी हो गया आपका 0.4 आंसर और ये भी शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसी तरह से हम 12/5 का भी देख सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब देखते हैं 12/5 को, 12/5 इसका प्रसार करिए, देखें 12 में 5 का भाग देंगे, 5 × 10, तो शेष छोटी संख्या है, दशमलव रखेंगे 1, 0, 5 × 20, प्रसार समाप्त हो गया, यानी इसका भी आंसर हो गया 2.4। इसी तरह से एक और संख्या बच गई है आपकी 17/10, क्योंकि 17/10 हमने यहाँ कर लिया है, ये दो बार हो गया, इसको छोड़ देते हैं। इस तरह से देखेंगे इन सभी का जो दशमलव प्रसार है वह शांत दशमलव प्रसार है, और सभी का ऊपर और नीचे अगर देखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक से अधिक कोई नहीं है, सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ इन दोनों संख्याओं का है वह एक ही है। इस प्रकार ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनका p/q के रूप में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये संख्याएं जो है आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका दशमलव प्रसार शांत है। और लास्ट में ये क्वेश्चन ये भी कहता है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण संतुष्ट करता है। q की बात करें, देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, ये दोनों संख्याएं 2 हैं। ठीक, फिर देखेंगे 10 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो हम ये पाएंगे कि जो q है वह क्या है, या तो 2 है या 2 का गुणक है। ठीक, या दूसरी बात देखें, या तो वो 5 है या 5 का गुणक है। तो हम कह सकते हैं, कि जो q है, ये जो q हमने लिखा है, इसके लिए शांत दशमलव के लिए q का क्या होना चाहिए, कि शांत दशमलव प्रसार के लिए q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 का यानी स्क्वायर होना चाहिए, अथवा 5 या 5 का यानी स्क्वायर होना चाहिए, या 2n × 5n के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह अनावसानी अनावर्ती होता है, तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। अतः एग्जाम्पल के रूप में हम 3 अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, हम √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, ये सभी जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इनका जो दशमलव प्रसार होगा वह अनावसानी अनावर्ती होता है। या अगर हम कोई ऐसा संख्या लिखना भी चाहते हैं जिसका प्रसार अनावसानी अनावर्ती है, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे पहला हम लिख लेंगे 0.01001001, फिर 4 जीरो कर लेंगे, 3 जीरो के बाद फिर 1, फिर 5 जीरो कर लेंगे, फिर 1 और डैश कर देंगे, तो ये देखेंगे ये संख्याएं जो होती हैं एक निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रही हैं, अनावर्ती हैं, 0.01 के बाद 0.01 आ जा रहा है, तो इस तरह से ये जो दशमलव प्रसार है वह अनावसानी आवर्ती होता है। तो ये अपरिमेय संख्या ये भी है, क्योंकि इसको p/q के रूप में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो दशमलव का प्रसार हुआ है इसको हम रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। दूसरा लिखना है तो ऐसे फिर लिख सकते हैं
दशमलव, मान लीजिए लिखते हैं 02, अब फिर 002 कर दीजिए, फिर 0002, फिर 4 times 0 करके 2 कर दीजिए, इस तरह से भी ऐसे लिख देंगे तो ये भी संख्या क्या है, इसका भी प्रसार जो है अनुसानी आवर्ती है। एक और संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 0.02121211211212, ऐसे लिख देंगे तो ये संख्याएं भी जो होंगी वो अपरिमेय होंगी और इनका प्रसार आप देख ही रहे हैं कि अनुसानी आवर्ती है, आवर्तिता होती है लेकिन निश्चित डिजिट का आवर्तिता नहीं है, इसलिए ये संख्याएं भी अनुसानी आवर्ती हैं। आप अपने पास से भी 3 अपरिमेय संख्या को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिमेय संख्या पहला दिया है 5/7 और दूसरी संख्या दिया है 9/11। इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी हम 5 में 7 का भाग देते हैं, दशमलव रखें क्योंकि ये छोटी संख्या है, 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×7=49, 1 बच जाएगा, फिर 0 रखेंगे, 7×1=7 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर 0 रख देंगे, 7×4=28, फिर 2 बच गया, फिर 0 रख देंगे, फिर 7×2=14, फिर 6 बच गया, 0 रखेंगे, फिर 7×9=63 हो जाएगा, 7×8=56, फिर 4 बच जाएगा और फिर 0 रख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 7×5=35, शेष बचेगा 5। अब ये 5 देखिए, यही 5 आ गया, तो यानी अब ये संख्याएं रिपीट होंगी। 0 रख कर देख लेते हैं, 50, फिर क्या हो जाएगा, 7×7=49, 1 शेष बचेगा, देखिए दूसरे पद में 1 बचा था, यहाँ पर भी 1, 0 रखेंगे तो 7×1=7, फिर 3, ये देखिए यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पर भी 0 रख करके 7×28=28, फिर 2 शेष बचेगा, यानी ये संख्याएं जो होंगी अब रिपीट होंगी। इसको हम लिख सकते हैं 0.714285, देखिए ये संख्या रिपीट होना आरंभ हो गई, इसके आगे हम ऐसे डैश लगा देंगे और इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं ऐसे, यानी ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है 9/11, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसे मिटाते हैं, 9/11, अब ये छोटी संख्या है तो दशमलव रखेंगे, 0 रख देंगे, 8 बार में जाएगा, 11×88 बचेगा 2, 0 रखेंगे, 1 बार में 11×11 फिर बच जाएगा कितना, देखिए 9, फिर ये वाली देखिए संख्या आ गई, अब ये संख्या रिपीट होगी, फिर 11×88 फिर बचेगा 2, फिर 0 रखेंगे, फिर 1, 1 बार में 1, 11 फिर बचेगा 9, फिर 0, फिर 8, फिर 88 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 बचेगा, 0, फिर 1 बार में जाएंगे, यानी ये क्रिया अब लगातार होती रहेगी, यानी ये संख्याएं भी बार बार रिपीट होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.818181 ऐसे लिख सकते हैं, यानी अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार लगा देंगे तब भी चलेगा। अब क्या कर रहा है, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हम अलग अलग 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है, तो यानी ये संख्या हम जो लिखेंगे अपरिमेय संख्या वो इससे बड़ी होनी चाहिए लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए। तो अब हम अपरिमेय संख्या लिखेंगे, पहली अपरिमेय संख्या देखिए क्या लिखेंगे, ये 7 है तो इससे बड़ी हम कर लेते हैं 0.72, इससे बड़ी हो गई 71, से बड़ी हो गई 72 और 81 से छोटी है ही, फिर यहाँ पे एक 0 रख के फिर 72 लिख देंगे, फिर 00 लिख देंगे फिर 72 लिख सकते हैं, फिर 000 लिख देंगे फिर 72 लिखेंगे, यानी ऐसी संख्याएं हम लिखते चले जाएंगे तो ये संख्याएं जो होंगी अपरिमेय संख्या होंगी, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं वो निश्चित रूप में आवर्त नहीं हो रही हैं, यानी अनावर्ती हैं, अनवसानी हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, देखें कैसे, अब ये 72 है तो इसको 0.73 लिख देते हैं, फिर 0.73 लिखिए, फिर 20 लिख करके 73 लिख दीजिए, फिर 30 लिख करके 73 लिख दीजिए, फिर 40 रख करके 73 लिख दीजिए, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय हो जाएगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, इससे थोड़ी सी फिर से बड़ी ले लेते हैं लेकिन 81 से छोटी लेनी है 0.81 से, फिर 0.175 ले लेते हैं, 0.75 लिख दीजिए, फिर 0.0075 लिख दीजिए, फिर 0.0075 लिख दीजिए, फिर 4 बार आप 0 लिख करके 75 लिख दीजिए, फिर डैश डैश दे दीजिए, और भी संख्याएं आप लिख सकते हैं इसके बीच में 0.77 01 001 0001
0001 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी अशांत और अनवसानी है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है जो 5/7 और 9/11 के बीच में उपस्थित है। आप इन चारों के अतिरिक्त तीन और अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या लिखिए जो 5/7 और 9/11 के मध्य में उपस्थित हो, कमेंट बॉक्स में इसे जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो है √23। यदि हम √23 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.795831523332317195। अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो संख्याएं दशमलव के बाद आ रही हैं, ये अनावसानी अनावर्ती, यानी कोई भी संख्या या संख्याओं का जो समूह वह रिपीट नहीं होता है, यानी यह संख्या जो क्या है वो अशांत है। दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत है, और अशांत में क्या है, अनावसानी अनावर्ती है। अतः यह संख्या जो होगी वह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट दूसरा इसका देख लेते हैं। √25 को हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। तो 15 दशमलव प्रसार जो क्या है वो शांत है, इसलिए यह क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 0.3769 है, यह जो संख्या है 0.3769, इसका भी जो दशमलव प्रसार देख रहे हैं वो क्या है, वो शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह संख्या भी क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 7.478478, यहाँ पर भी जो संख्याओं को देखेंगे तो 4 के बाद 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 4, फिर 7, फिर 8, यानी 478478 रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि देखें 478 यहाँ पर भी है और 478 यहाँ पर ही है, ये संख्याएं जो है दोनों रिपीट हुई है, तो ये संख्या रिपीट हो गई है, यानी इसका प्रसार जो है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 1 के बाद देखेंगे 0.10, फिर वहां पर देखेंगे 1 के बाद 00 हो रहा है, फिर 1 के बाद 0000 हो गया, फिर 1 के बाद 4×0 हो गया, यानी ये जो प्रसार है वह अनावसानी अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के साथ ही ये जो चैप्टर है 1.3 पूरी तरह से समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। गुड बाय।